आप लोग के मर्डर करेंगे, बोल रहा है मर्डर करेंगे, मर्डर करेंगे, बरसा होगा, गोली के बरसा होगा, गोली के बरसा होगा, डर भी लग रहा है। करके आया हूँ तो कहा कि पैसा दो, तो हम कहें कि हम कितना पैसा, 1500 रुपए, हम कहें पैसा दे नहीं दे दिए, जब कहते कि पैसा दे, हम आवे हो स्कूल से तब बात करिए, जब चल जा हल्ला बोलना, इतने कर बेटा के बोलवा के और घर में ये जे करू पूरा मार धर करे लगल, तब फिर कल हूँ ना जब करे लगे तो हम रह गए, फिर बिहान हो गए तो सवेरे 6 बजे उठे तभी ये पानी पर चापा कलवा कर रो, और एगो नौवा नौवा वाला लाठिया लेके इतना मार मारे लगा ना, तो हम मुझे अथिया छोड़ दिए बल्टावा घरे आके बांध, फिर ये जे पर लाठी लेके या गोर ले रहे बैठा तो कखने निकले तो एक हम तो हम ना निकल, फिर रात हो ले 10 बजे रात निकल ली, फिर महादलित महिला को नंगा करके सरेआम पीटता है, चेहरा पर पेशाव कर देता है, इससे दुर्भाग्य वाली बात क्या है? अगर आप कल्पना करते हैं तो सोचिए इस महिला को दुहट्टो डांग, अगर बिहारी भाषा में के दुहट्टो डांग मारा गया था क्या? देखते हैं सर, पूरे बिहार को इस घटना ने शर्मसार कर दिया कि एक महिला पर एक युवक ने पेशाब कर दिया। आपने देखा था किस तरह से एक मामला पिछले दिनों वायरल हुआ था, यही पेशाब कांड था। अभी हम वही दलित समाज के घर पे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से घर की स्थिति है। इन्होंने 1500 रुपए लिए थे, 1500 रुपए जब 1500 रुपए की लेन देन होने लगी उसी में क्या कुछ हुआ वह सारा मामला हम कुछ नहीं महिला से ही पीड़ित महिला से ही बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे वह क्या कुछ बोलना चाह रही है, क्या कुछ कहना चाह रही है, ये कैसे चोट लगा। पहले हुआ कि सुख करके आया हूँ तो कहा कि पैसा दो, तो हम कहें कि हम कितना पैसा, 1500 रुपए, हम कहें पैसा दे नहीं दे दिए, जब कहते कि पैसा दे, हम आवे हो स्कूल से तब बात करिए, जब चल जा हल्ला बोलना, इतने कर बेटा के बोलवा के और घर में ये जे करू पूरा मार धर करे लगल, तब फिर कल हूँ ना जब करे लगे तो हम रह गए, फिर बिहान हो गए तो सवेरे 6 बजे उठे तभी ये पानी पर चापा कलवा कर रो, और एगो नौवा नौवा वाला लाठिया लेके इतना मार मारे लगा ना, तो हम मुझे अथिया छोड़ दिए बल्टावा घरे आके बांध, फिर ये जे पर लाठी लेके या गोर ले रहे बैठा तो कखने निकले तो एक हम तो हम ना निकल, फिर रात हो ले 10 बजे रात निकल ली, फिर हमारा कल के ना कि तुर पाती के हम रख ले हुए चल हम बाल के झोंक में चल गए तो बेटी का नाहल नाहल कुछ तो हमारा लंगे कर दिल नंगा कर दिया आपको, और दोनों बाप बेटा मिल के हम मारे लग कल के प्रमोद सिंह के रही तेरा मुंह 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 ते कराया थी कर हम लंगे बुलाई बुलाई बाद दौड़ा हम जैसे फिर छूट पाने ना तो लुगवा इसे खींचता ही चैटा, फिर हमको होश नहीं है। पेशाब कौन किया? यीशु ज्यादा, उसका बेटा भी, उसका बेटा अंश, उसके बाद आप बेहोश हो गए? बेहोश, हमको याद नहीं है, जान बच गया यही बहुत, फिर हमको पाते नहीं है क्या हुआ क्या। पैसा सुने उनको आप दे दिए थे? हाँ दे दिए, 2 साल पहले लिए, 10 दिन में उसका पैसा तो उठा दिए। तब फिर कौन पैसा मांग रहा था? वो सूद के पैसा मांग रहा था, मतलब वो नहीं ना कहा कि हमको सूद दो, तो हम वही ना कहे कि पैसा तो दे ही दे भी, तब मांगा है पैसा। तब उसको 2 साल बाद याद आया सूद दो, फिर हमको नहीं। देख लीजिए पीड़ित महिला, आपने सुना सर, क्या आपको लग रहा है कि मतलब पेशाब कर देना मानवता को शर्मसार कर देता है? ये सवाल तो आपको सरकार से आप पूछना चाहिए। नीतीश जी, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम लोग पिछड़ा थे, पिछड़ा दलित महादलित के लिए हम लोग काम करते हैं। अब सोच लीजिए, आप देख रहे हैं ना सामने, बताइए एक ठो दलित महादलित महिला को नंगा करके सरेआम पीटता है, चेहरा पर पेशाव कर देता है, इससे दुर्भाग्य वाली बात क्या है?
अगर आप कल्पना करते हैं तो सोचिए, इस महिला को दुहट्टो डांग, अगर बिहारी भाषा में के दुहट्टो डांग मारा गया था क्या? देखते हैं सर, देखेंगे। हाँ दिखाइए, दिखाइए दर्द, देखिए दर्द लाल है, देख लीजिए दर्द लाल है, देख लीजिए जांग किस तरह से, बाप रे, हे भगवान, इस तरह से मारा रहे उस वैसी इंसान ने, बाप रे बाप, कौन डरना है उसको समाज सरकार से? डर नहीं, निशब्द है लगातार। हम जब इस तरह की कवरेज करते हैं, पिछले बार भी हमने दिखाया था, वो भी से उस लड़के को मार दिया गया था, उसने प्रेम विवाह किया था। हम इस तरह का खबरें करते हैं, पिछड़ी जाति की हो, हरिजन कास्ट को, सबके घर में हम जाते हैं और यही स्थिति होता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बना दिया पर लोगों की मानसिकता अभी तक नहीं बदली है कि हम लोग बराबर हैं। इस तरह से मारा गया, चोट देखे सब किस तरह से है, जानवर को भी नहीं इस तरह से कोई पीटे। दुर्भाग्य वाली बात है कि आज लगभग 30 साल से पिछड़ा का ही सरकार है, फिर भी अति पिछड़ा दलित महादलित के साथ इस तरह से बराबर घटना होते रहती, लेकिन इस पर कोई मतलब एक्शन लेने वाला आज तक नहीं है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार तो सोया हुआ है, सरकार को इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो तो बस ऊपर वाले लोग को जो है, बड़े बड़े लोग सब बस उसका सुरक्षा प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। पकड़ाया वो अपराधी, आप कौन है सर? जी हम क्यूरिता के भाई सूर हैं। जी चाची क्या बोल रहे हैं? पुलिस में कह रहा है कि झूठा बात है, पुलिस बोल रहा है झूठा बात, झूठा बात। हाँ क्या साहब नहीं किया, लंगा नहीं किया है। अच्छा इन्हीं से पूछ रहे, पुलिस बोल रहा है कि झूठ है, पेशाब नहीं किया, नंगा नहीं किया, क्या ये सच है? उन्होंने बोल रहे हैं सर, वही से सब जा रहा है थाना पर जाते अपना देख, इनको पास भी जो बताएंगे। आपके साथ जो हुआ आप बोल रही हैं, यही है पुलिस प्रशासन। ट्विटरबाजी कीजिए आप लोग, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, जिनको चोट लगा है वो बोल रहा है कि हमको नंगा करके मारा गया, हम पे पेशाब किया गया है, और पुलिस महोदय बोल रहा है कि पेशाब नहीं किया, मारा नहीं गया, तो किस तरह इनका दर्द है, क्या बोलिएगा? वो लोग पकड़ाया है, हम पीड़िता के भाई सुर हैं। जी जी बोलिए। और पुलिस जो है कह रही है कि नहीं ये सब बात झूठा है, SC ST एक्ट का तो मामला बनता है, लेकिन जो है पेशाब पिलाने वाली बात है और नंगा करके मारने वाली बात जो है गलत है, जबकि हम लोग जो अपने आँखों से पेशाब पिलाया है। हाँ पेशाब जो मुंह पर, एक सेकंड, मुंह पे पेशाब करके पिला दिया, कहा बेटा कि इसका मुंह पर मूती है, मूती है, तब पेशाब कर दिया, यानी कि पेशाब पिला दिया। हाँ हाँ पेशाब है, लेकिन पेशाब चेहरा पर पेशाब पिलाई नहीं किया, और गिलास में लेके पिला देगा तब हो जाए उसको माना जाएगा। पकड़ा है अभी तक? एक ठो सुनने में आ रहा है कि एक ठो पकड़ाया है ना, एगो फरार है, और लेकिन पुलिस जो है सरकार के दबाव है या क्या है वो देख रहा है कि सरकार गिरने वाली बात है ना, तो इसलिए जो है पुलिस पर प्रेशर है कि किसी तरह से उसको उलट पुलट करके बयान को जो है बदलवा करके इसको जो है। आप लोग तो बयान नहीं बदलिएगा, जो बात है सो बात है, जो बात है सो बात हम लोग कह रहे हैं, लेकिन जिस महिला को इतना बड़ा अत्याचार करके मारा गया है उसको मानसिक पर कितना टॉर्चर है, कि है कि अभी जो है मैंने उसको अगर किसी को अगर महिला जो है अभी देहात की है, अनपढ़ है, कभी ऐसा हादसा नहीं देखा, उसको जो है अगर दो चार बात है जो कि गोल घुमा फिरा के कीजिएगा तो सही बात भी गड़बड़ा जाएगा बोलने में ना, लेकिन जो बात जो है जो बोला है, लेकिन फिर भी जो है DSP साहब बोल रहे हैं, पुलिस बोल रही है कि नहीं वो सब बात जो है गलत है ना, और जो है मैंने कि मारपीट वाली बात तो ठीक है, लेकिन नंगा करने वाली बात जो है मैंने कि ये जो गलत है कि है पेशाब। अच्छा इनका इस तरह से क्या आप अपना हॉस्पिटल में इनका इलाज करवा दीजिए अगर ये आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल है आपका, इलाज करवाइएगा, कॉस्ट इलाज इनके लिए रहेगा। हाँ चाहे दवा रहे चाहे हॉस्पिटल रहे, टोटल चीज फ्री इनके लिए, मेरा हॉस्पिटल फ्री है, फ्री है, एकदम से फ्री है। इनका नंबर ले लीजिएगा, हॉस्पिटल इनका है पटना में, नंबर ले लीजिए, कुछ भी होगा फ्री में, आप लोग इनसे जो भी है दवा जरूर करवाइए, बाकी का ये खर्चा आप लोगों के लिए ये करेंगे, ये हॉस्पिटल इनका है। तो ये है देखिए मानसिकता, यानी कि मुंह में मूत के पेशाब पिला दिया गया, एक दलित कहाँ है, समाज साथ देगा तो मिलेगा। हाँ समाज साथ देगा तो मिलेगा। जी जी बोलिए। 10 वर्ष माने तो कितना समाज साथ देगा सर, अभी कोई नहीं भागल है, आधा से ज्यादा आदमी। डर भी लग रहा है बहुत, डर है कि हम लोग के बोल रहा है कि आप लोग के मर्डर करेंगे, बोल रहा है मर्डर करेंगे, मर्डर करेंगे, बरसा होगा, गोली के बरसा होगा, गोली के बरसा होगा, होगा डर भी लग रहा है। डर के मारे तो सबके भगा दिए हैं सर, बाल बच्चे को सबको हटा दिए हैं, बालू बच्चा को भगा दिए हैं, भगा दिए हैं सर। देख लीजिए चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, यानी कि सोच लीजिए, यानी कि बरसा होगा, गोली का बरसा होगा, यही है जंगल राज 2.0।
आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में कानून व्यवस्था हाशिए पे है। कमेंट जरूर करें आप लोग।